नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और शुरुआत करते हैं आज बॉटम टोपोग्राफी वाला चैप्टर। दोस्तों बॉटम टोपोग्राफी वाले चैप्टर में हमें तीन चीज टॉपिक्स दिए हुए, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन, ठीक है। बट हम लोग हर एक अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बॉटम टोपोग्राफी कवर करेंगे, ठीक है। पहला देख लेते हैं अटलांटिक ओशन का, ठीक है। अटलांटिक ओशन लोकेशन तो आप समझ गए होंगे कहाँ है। नॉर्थ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट और यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट वाला जो पार्ट है ना, वो है अटलांटिक ओशन। नाउ इसका अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंड देख लीजिएगा ना, तो पूरा ग्लोब का 1/6 एरिया ये कवर करता है। वहीं पर पैसिफिक ओशन के कंपैरेटिवली अगर अटलांटिक ओशन को आप कंपेयर कीजिए, तो पैसिफिक ओशन जो है अटलांटिक ओशन का दुगना है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट अटलांटिक ओशन जो है पैसिफिक ओशन का 50% है, ठीक है। तो वही चीज तो यहां पर लिखा हुआ है, दैट इट इज हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन। जितने बड़े बड़े ओशंस है तीन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, उसके बाद है इंडियन ओशन, ठीक है। मतलब अटलांटिक ओशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशनिक बॉडी है हमारे दुनिया का, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय क्या फिनोमेना, प्लेट टेक्टोनिक्स। और इसके बारे में हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैं फिर से पूरा रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर से एक घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ था ना, दैट प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो प्लेट हुए थे ना, वो लोग वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट किए थे, ठीक है। तो इसलिए बीच में जो है अटलांटिक ओशन फॉर्म हुआ था। विड्थ की अगर बात की जाए तो नॉर्दर्न पार्ट, इक्वेटर वाला पार्ट और सदर्न पार्ट में इसका विड्थ अलग अलग है। जी हाँ, आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये डेटा शेयर करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना कहीं ये जो है आपका क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। यह है अफ्रीका, यह है यूरोप। तो देखो नदर पार्ट में कितना ज़्यादा विड्थ है ना। वहीं पर इक्वेटर वाला पार्ट देखो बहुत कम विड्थ है, बट वहीं पर सदर पार्ट देखो बहुत ज़्यादा विड्थ है क्या नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है, दैट देखो भैया नर्दर्न पार्ट में जो है इसका विड्थ है अराउंड 4800 किलोमीटर। वहीं पर इक्वेटर वर्ल्ड विड्थ क्या है, 2560 किलोमीटर। और सदर्न पार्ट में जो है ना इसका विड्थ है 5920 किलोमीटर। मतलब देखो हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा था, दैट सदर्न पार्ट का जो विड्थ है ना बहुत बड़ा है, उसके बाद नदर्न पार्ट का, उसके बाद इक्वेटर वाला पार्ट का। ना ये एस सच आपको डेटा फिगर्स याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको जस्ट दिमाग में रखना पड़ेगा हाँ भैया किस पोर्शन में कैसा कैसा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मैप जब भी आप बनाते हो, तो मैप जब बनाते हो ना, तो उस समय लेकिन ये विड्थ भी अचानक से ऑटोमेटिकली दिख ही जाता है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए अच्छा, एवरेज डेप्थ अगर माना जाए तो अटलांटिक ओशन का लेकिन पैसिफिक ओशन से कम है एवरेज डेप्थ। नाउ इसका रीजन बता सकते हो, देखिए दोस्तों पिछले वाले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्व्स वाले चैप्टर में, दैट अटलांटिक ओशन में जो है कॉन्टिनेंटल शेल्व्स का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। ऊपर से अटलांटिक ओशन जो है पैसिफिक ओशन से छोटा भी है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन से छोटा है, अटलांटिक ओशन में कॉन्टिनेंटल शेल्व्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है पैसिफिक ओशन से। इसका मतलब क्या हुआ, दैट अटलांटिक ओशन में जो है एवरेज डेप्थ तो कम होगा ना ओशन फ्लोर का। क्यों, क्योंकि एबिसल जो प्लेन है उसका एक्सटेंट आपका जाके कम होगा अटलांटिक ओशन में, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये रीजन है। अच्छा एक चीज और भी ध्यान देना है, अटलांटिक ओशन जो है ना हर साल वाइडन हो रहा है। क्यों, ड्यू टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मिड ओशनिक रिज जो है ना वहाँ पर जो अटलांटिक ओशन में, उसके कारण सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन फैल रहा है धीरे धीरे। हर साल 4 सेंटीमीटर के रेट से ये फैल रहा है ना। और इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, थ्रू द डाइवर्जेंस ऑफ मिड ओशनिक रिज दैट इज बीइंग ऑब्जर्व थ्रू द सैटेलाइटिक डेटाज एंड ऑल, राइट। अब हम लोग अटलांटिक ओशन के जो फीचर्स के बारे में स्पेसिफिकली चर्चा करते हैं। ये तो ओवरऑल अटलांटिक ओशन के बारे में था। अटलांटिक ओशन में जो भी हम लोग को फीचर्स दिखता है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पहला फीचर है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अगर आप देख लो, या पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। देखो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है अफ्रीकन, और ये भी यूरोप। ना ये जो डॉट डॉट है ना भीतर में जो दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट जो है यही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का एक्सटेंट। ना ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का एक्सटेंट कितना ज़्यादा है, अराउंड द ग्रैंड बैंक, न्यूफाउंडलैंड, डॉगर बैंक, ठीक है।
एक्सक्यूज मी, ये क्यों आ जा रहा है? ओके हाँ, तो वही चीज बताया गया दैट यहाँ पे कितना ज्यादा एक्सटेंट है ऊपर में, है ना, वहीं पर यहाँ पर भी देखो थोड़ा एक्सटेंट ज्यादा है बाहिया ब्लांका के नीचे, है ना, बाहिया ब्लांका और अंटार्कटिका के बीच में एक्सटेंट ज्यादा है, बट वहीं पर देखो ये सब रीजन जो है बहुत रिस्पेक्टिवली कम है ना। ओके अब जस्ट मैं आपको इसलिए ये बताया क्योंकि यहाँ पर वही सब बताया गया है, ठीक है, वही सब तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का अगर देख लीजिएगा अटलांटिक ओशन में विड्थ वेरी करता रहता है, कहीं पर आपको ये 4 से 8 किलोमीटर के रेंज में मिलेगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा दैट इज अराउंड 200 से 400 किलोमीटर के रेंज में भी। जो हम लोगों ने नर्दर्न पार्ट वाला देखा ना, वहाँ पे कितना फैला हुआ था, तो वहाँ पे 200 से 400 किलोमीटर तक के रेंज में भी हमें मिलेगा, ठीक है। एनीवेज ये कंट्रोल किस के द्वारा किया जाता है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का जो एक्सटेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के एक्सटेंट को कंट्रोल करते हैं, वो हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स वाले चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं वही चीज, मतलब वही चीज यहां पर भी घुसा हुआ है दैट इट इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ ऑफ कोस्टल लैंड, दैट इज कोस्टल लैंड का रिलीफ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोस्टल लैंड जो अगर प्लेन हो तो रिस्पेक्टिवली कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत लंबा होता है, वहीं पर अगर कोस्टल लैंड में जो अगर पहाड़ वहाड़ हो तो देर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट वहां का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंट है वो बहुत छोटा हो, ठीक है। इट इज नैरो वेयर द माउंटेन और हिल्स बॉर्डरिंग द कोस्ट, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं अफ्रीकन शेल्फ, ब्राजीलियन शेल्फ कर ये रीजन्स, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। अच्छा, 200 से किलो 400 किलोमीटर तक का विड्थ हमें देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, कहाँ कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप में। ये देखो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है ना, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, दिख रहा है आपको कितना बड़ा एक्सटेंट है। नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप, यहाँ पर भी क्लियर मेंशन है, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ यूरोप, ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट अराउंड द ग्रैंड बैंक एंड डॉगर बैंक, जो कि हम लोगों ने नीचे देखा था, है ना, तो ये सब रीजन में जो है ना एक्सटेंसिव शेल्फ हमें देखने को मिलता है, सिर्फ न्यू फाउंडलैंड और ब्रिटिश आइलैंड डॉगर बैंक में ही नहीं, बल्कि ग्रीन लैंड, आइसलैंड, उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशन में बाहिया ब्लैंका और अंटार्कटिका के बीच, ये भी हम लोगों ने पिक्चर में देख लिया था। ये देखो देखो ग्रैंड बैंक में है, क्लियरली मेंशन है ना, ग्रैंड बैंक, न्यू फाउंडलैंड, डॉगर बैंक, बाहिया ब्लांका और आपका जाके साउथ में अंटार्कटिका के बीच वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंशन कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है, वही चीज है। अच्छा यही नहीं, कुछ कुछ यहाँ पे मार्जिनल सीज भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हडसन बे, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट्स जैसे डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। इनक्लोज्ड कुछ कुछ सीज भी है जैसे मेडिटेरेनियन सी, कैरिबियन सी, यहाँ पर इस रीजन में कहा गया है ना। देन आइलैंड्स है जैसे ब्रिटिश इजले, आइसलैंड, फिरोज, देन फाकलैंड, शेतलैंड, यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन, देखो त्रिस्ता दे कुना, साउथ ऑर्कनेस, सैंडविच आइलैंड, सेंट हेलेना, ठीक है, केप वर्दे, उसके बाद अजोर्स, उसके बाद यहाँ पे शेतलैंड, आइसलैंड, डॉगर बैंक एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने से भी देख लेनी चाहिए, सब कुछ बताना वो पूरा स्पून फीडिंग हो गया, खुद से थोड़ा पॉज करके अगर देख लोगे बहुत समझ जाओगे। ओके मिड अटलांटिक रिज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला अब टॉपिक, मिड अटलांटिक रिज, ये बेसिकली मिड ओशनिक रिज है जो कि अटलांटिक में मिलता है ना। जैसे ये वाला अगर ले लो अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, यूरोप, उसके बीच में अटलांटिक ओशन है ना, तो उस अटलांटिक ओशन के बीचों बीच अगर आप देख लीजिएगा ये वाला पार्ट जो है, जो हैचिंग लाइन से किया हुआ है, दिस इज व्हाट कॉल्ड मिड अटलांटिक रिज। बेसिकली दिस इज अ मिड ओशनिक रिज व्हिच इज प्रेजेंट इन अटलांटिक ओशन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मिड अटलांटिक रिज। तो ये जोन है कहाँ, किस चीज का, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का। भैया ओशनिक रिजेस जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज द जोन ऑफ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है राइजिंग लिम ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहीं से मैग्मा निकलती है और धीरे धीरे जो है क्रस्ट को फैलाती है, ठीक है, वहां पे दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। ऑल राइट, सो यहाँ पे डाइवर्जिंग जो प्लेट बाउंड्रीज जो है आपस में डाइवर्ज करती है, और ये क्लियरली एस शेप का भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है दैट हाँ भैया ये एस शेप का है, ठीक है, ऐसे ही ना है, देखो बना हुआ है ना, इसका एक्सटेंट
14,450 किलोमीटर है, एक्सटेंड भी बहुत ज़्यादा है। जो कि यार नॉर्थ में अगर देख लोगे आइसलैंड और साउथ में जो है ना बोवेट आइलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका इसके एक्सटेंशन के बीच में मिलेगा। इट नो वेयर गोज 4,000 मीटर बिलो द सी लेवल, मतलब जो एवरेज डेप्थ ऑफ हम लोगों ने ओशन पिछले क्लासेस में क्या देखा था, 3,800 किलोमीटर, सॉरी मीटर नॉट किलोमीटर, है ना। तो ये जो है ना आपको मतलब मिड अटलांटिक रिजेस जो है ना आपको मतलब ऊपर से है ना सी लेवल से नीचे 4,000 मीटर का अगर डेप्थ ले लीजिए तो उससे ऊपर ही मिलेगा। मतलब रिजेस भी क्या है यार छोटे, ये भी तो ये ना पहाड़ ही ना हुए काइंड ऑफ, है ना, वो अंडर वाटर पहाड़ मिलता है, ठीक है। तो ये पहाड़ जो है ना ये फॉर्म कैसे करती है पहले ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूँ, जो जो नए होंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना दैट बहुत जगह राइजिंग रिंग ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर राइजिंग रिंग ऑफ मैग्मा अगर हो रहा है मतलब तो ये वाला जो पार्ट है ना क्रस्ट को ये इधर ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा, तो भीतर से जो है मैग्मा ऊपर उठ जाती है, समझ रहे हो। अब क्या होता है जब भीतर से मैग्मा ऊपर उठता है तो ये तो पहले तो इस टाइप का कुछ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मैग्मा उठ के और भी ऐसे करके पहाड़ काइंड ऑफ बनाते जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे जो है इधर सरकते जाती है, तो ये पहाड़ भी इधर आता जाता है, इधर आता जाता है, इधर आता जाता है, इधर आता जाता है, क्योंकि जैसे इधर जैसे ये वाला पार्ट जब इधर आ गया, ठीक है, तब तो नीचे से फिर नया मैग्मा उठ के नया टाइप का छोटा सा पहाड़ बना देगा, एक रिजिस काइंड ऑफ बना देगा, ठीक है। तो वही चीज है बेसिकली कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज में भी वही चीज होता है। नाउ यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन किया गया है दैट इट इज ऑल्सो नोन एज डॉल्फिन राइज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, दैट इज ये वाला जो नॉर्थ ऑफ ये वाला इक्वेटर है, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसको ये वाला पार्ट में इसको डॉल्फिन राइज कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर नीचे में जो है ना इसको चैलेंजर राइज कहा जाता है। देखो ये लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, इट इज बिटवीन द आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड। अच्छा, जो आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है उसको हमको थॉमस वाइवले रेंज रिज कहा जाता है। देखो ये वाला हुआ कहा गया, हाँ ये देखो स्कॉटलैंड है ना और ये वाला आइसलैंड, तो इसके बीच में जो है ना ये वाला रिज, ये वाला पार्ट को इसको वाइवले थॉमस रिज कहा जाता है, ठीक है। इट बिकम एक्सटेंसिव साउथ ऑफ ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, क्लियरली हमें दिख भी रहा है ये जो टेलीग्राफिक जो प्लेट्यू है ना, ये वाला प्लेट्यू, ये वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है। ये तो मिड ओशनिक रिज ही है ना, बट कितना ज़्यादा एक्सटेंसिव है हमें दिख रहा है ना। तो ये वाला जो रीजन है ना इसको टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहला जो दुनिया में केबल जो है ना कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इसी रीजन में ले डाउन किए गए थे, ठीक है, इसलिए इसको टेलीग्राफिक प्लेट्यू भी इस रीजन का नाम दिया गया है। इट द मेजर पार्ट इज सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर, जी हाँ दोस्तों ये इसका जो मेजर पार्ट है वो ओशनिक वाटर के अंडर ही सबमर्ज होता रहता है। कुछ कुछ पीक्स और सी माउंट्स हैं जो क्या वाटर सरफेस के अबव भी हमें दिखला जाते हैं, और ऑफकोर्स वाटर सरफेस के अगर अबव कोई पीक अगर आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज इट विल बी कॉल्ड आईलैंड ओनली, राइट। जैसे पीको आइलैंड अजोर्स में अगर आप देख लोगे ना, यहाँ पे अजोर्स, एक्सक्यूज मी, कहाँ, हाँ यहाँ ये वाला देखो, ये अजोर्स में जो है ना, यहाँ पे अजोर्स है, एक मिनट, हाँ ये देखो अजोर्स में एक आइलैंड मिलेगा जिसको कहते हैं पीको आइलैंड, ठीक है, पीको आइलैंड, तो वो जो है वो थोड़ा पानी से निकला हुआ है, ठीक है, और उसको हाईएस्ट, दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ दिस अटलांटिक ओशन रीजन एज वेल, तो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे कुछ कुछ फ्रैक्चर्ड जोन्स होते हैं। नाउ ये फ्रैक्चर्ड जोन्स क्यों होता है, फ्रैक्चरिंग क्यों होती है, पहले तो बात तो ये, कोई भी ओशनिक या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में फ्रैक्चरिंग जो है डायस्ट्रोपिज्म के कारण होती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो फ्रैक्चर जोन बने हुए हैं वो है जैसे गिब्स फ्रैक्चर जोन, ओशनोग्राफिक फ्रैक्चर जोन, अटलांटिस फ्रैक्चर जोन, केन फ्रैक्चर जोन, वेमा फ्रैक्चर जोन एंड रोमांचे फ्रैक्चर जोन। इसका लोकेशन भी देख लीजिए, मैंने क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, इसका लोकेशन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं देखिए एक नंबर जैसे गिब्स फ्रैक्चर जोन, दो नंबर में ओशियनोग्राफिक फ्रैक्चर जोन, पांच नंबर में वीमा फ्रैक्चर जोन ना, तो देखिए इसका नंबरिंग मैंने बेसिकली किया हुआ है, ये देखो
पहला नंबर ऑफ फ्रैक्चर जोन कहाँ पर लोकेशन है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये सब कुछ लिखना ये छोटा सा यू नो पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने ऐसे करके मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है ओशनिक बेसिन्स। अब देखो मिड अटलांटिक जो रिज है उसके कारण जो ओशन है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बेसिकली ईस्ट अटलांटिक बेसिन और वेस्ट अटलांटिक बेसिन। ईस्ट अटलांटिक बेसिन मतलब अटलांटिक के ईस्टर्न पार्ट में, दैट इज मिड ओशनिक रिज के जो ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन हुआ ना वहां पर है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। और वेस्ट अटलांटिक मतलब जो इसके वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। तो पहला यहां पर देख लेते हैं लैब्राडोर बेसिन। लैब्राडोर बेसिन अगर देख लोगे तो ये है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ग्रीनलैंड जो क्या नॉर्थ में है और न्यूफाउंडलैंड राइस जो क्या रिस्पेक्टिवली उसके साउथ में, अगर देख लीजिएगा, ठीक है। उसका एवरेज डेप्थ भी दिया हुआ है जो क्या ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इफ यू एट ऑल वांट टू, ठीक है। एक्सक्यूज मी कहा गया, हाँ एक सेकंड गाइस, हाँ अच्छा हाँ, लैब्राडोर बेसिन ये हो गया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन बेसिन जो क्या काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव बेसिन है और इसका लोकेशन भी क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ब्राज़ीलियन बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन, इसका जस्ट लोकेशन और डेप्थ खुद से देख लीजिए, ठीक है। ये ऑफकोर्स फिर से स्पून फीडिंग हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये फिल्म फैक्चुअल बात है ना, कुछ कॉन्सेप्चुअल बात तो नहीं है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ आपको, है ना। अच्छा वैसे ही स्पैनिश बेसिन, नॉर्थ एंड साउथ कैनेडी बेसिन, इसका लोकेशन भी क्लियरली दिया हुआ है, डेप्थ भी क्लियरली दिया हुआ है। केप वर्दे बेसिन कहाँ है, उसके बाद ग्वेनिया बेसिन, अंगोला बेसिन, केप वर्दे बेसिन, अगुलास बेसिन, ये सारे बेसिन्स का यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अच्छा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और साउथ अटलांटिक ओशन में, दैट डिफरेंट बेसिन्स के क्रॉस सेक्शंस अगर बात की जाए तो यू नो अलग अलग बेसिन्स किस किस लेवल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसका डेप्थ कितना ज़्यादा है, ठीक है, वो चीज़ हमें बेसिकली देखने को यहाँ पे बोल रहा है। पहला है प्यूर्टो रिको बेसिन, अगर देख लीजिएगा तो इसका डेप्थ लेकिन यू नो बहुत ही मतलब ये काइंड ऑफ ट्रेंच है, ठीक है, तो इसलिए इसका डेप्थ देखिए 8000 बिलो द सी लेवल, ठीक है, मतलब 8 किलोमीटर से भी नीचे है इसका बेसिन एरिया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन बेसिन कर देख लीजिएगा तो ये रिस्पेक्टिवली ऊपर है, नॉर्थ अटलांटिक रिजेस, केप वर्दे बेसिन, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है। सो द लोकेशन ऑफ एवरीथिंग इज मेंशन ओवर इन दिस वेरी पिक्चर, राइट। दूसरा यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। साउथ अटलांटिक ओशन में क्या है, ईस्ट साउथ अमेरिकन कोस्ट, अर्जेंटीना बेसिन, साउथ अटलांटिक रिज, वेल्बेस रिज, केप बेसिन, केप टाउन, ठीक है। तो उसका सबका जो बेसिन का लोकेशन, बेसिन का डेप्थ बेसिकली जो है इस टाइप से क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ईस्ट साउथ अमेरिकन कोस्ट वो ऑफ कोर्स ऊपर होगा मीन सी लेवल में ही, बट वहीं पर अर्जेंटीना बेसिन अगर देख लीजिएगा तो उसका उसका डेप्थ देख लीजिए 4000 मीटर से भी थोड़ा कम है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है, मतलब 4000 से 4500 के बीच में अराउंड जो है ये आपको अर्जेंटीना बेसिन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर साउथ अटलांटिक रिज जो है वो अराउंड 3000 से 4000 के बीच में आ जाएगा, देख रहे हैं क्लियरली, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, तो उसी टाइप से मेंशन किया गया है। इसको अगेन ये सब चीज़ें जो है रिवाइज करने से ही दिमाग में घुसेगी, है ना, इस चीज़ को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, लिख कर पढ़ना पड़ेगा तभी दिमाग में घुसेगा, है ना। ऐसा जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ हाँ भैया यहाँ है वहाँ है, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, अल्टीमेटली जब से आप खुद से हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। बट मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया दैट हाँ भैया बेसिन देखने का मतलब ये ग्राफ देखने का, इसको एनालाइज करने का तरीका क्या है, वो चीज़ मैंने बता दिया, बाकी तो आप खुद से समझ जाओ सब कुछ, है ना। अब आ जाते हैं ओशन डीप्स में, ये क्या है, ट्रेंचेस बेसिकली, है ना, पढ़े थे ना हम लोग ओशन डीप्स ट्रेंचेस। तो अगर पैसिफिक ओशन देख लीजिएगा ना उसके कंपेरिजन में है ना अटलांटिक ओशन में ओशन डीप्स लेकिन कम है, कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, वो चीज़ आपको ज़रूर से देख लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक है नरेस डीप, प्यूर्टो रिको डीप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेटेरास डीप है ना, वाल्दीविया डीप, देन बुचमैन डीप, मोजले डीप, वीमा डीप, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। अब देखो ये जो डीप्स मेंशन किए गए हैं
इसके बारे में अगर आपको मैं ये नहीं बताऊंगा दैट वॉट आर द डीप्स, वॉट आर ट्रेंचेस, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज मैंने पिछले क्लास में कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है, ओशनिक बॉटम रिलीफ वाले चैप्टर में, पार्ट टू में, सॉरी पार्ट टू है, पार्ट टू में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सच कुछ चीज तो डिस्कस करने का है नहीं, बट हाँ ये जरूर ध्यान रख लिया, ट्रेंचेस या डीप जो है फॉर्म होता है अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, वैसे प्लेट बाउंड्रीज में रिस्पेक्ट मतलब यूजुअली जहां पर दो दोनों जो है कन्वर्ज कर रही है, दोनों प्लेटें कन्वर्ज कर रही हैं, वहां पर जो है ज्यादातर हम हमें डीप्स देखने को मिलता है। ज्यादातर आप पैसिफिक ओशन बेल्ट में अगर लिख लीजिएगा अराउंड द जापान, देन आप फिलीपींस, ठीक है, तो ये वाले रीजन में आपको बहुत सारे डीप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ मार्जिनल सीज भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे मेडिटेरेनियन सी, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसको तो खैर बताने का ज़रूरत आपको है नहीं, बट स्टिल यहाँ पे कुछ कुछ डिस्कस किया गया। मेडिटेरेनियन सी के बारे में डिस्कस किया गया है दैट कोबर ने इसको एज अ मेडियन मास भी बोला है, ठीक है, ये आपने जियोसिंक्लाइन वाले थ्योरी थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, है ना, हमने पढ़ाया था, तो वो देखा है क्या नहीं आप लोगों ने, उसका भी हम लोगों ने सब कुछ अपलोडेड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, यूट्यूब में। सो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी जो था इसको कहा जाता है दैट इट इज अ रेमनेंट ऑफ टेथिस सी, जिसको डिवाइड किया गया इंटू ईस्ट बेसिन एंड वेस्ट बेसिन, ठीक है, और ये भी फर्दर डिवाइड किया गया है बाई अ मिड सीरीज, और ये मिड सीरीज जो है वो 400 मीटर का है एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ इटालियन कोस्ट टू नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लो जैसे ये वाला, ये देखो ईस्ट बेसिन जो है ये आयोनियन सी एंड लेवेंटाइन बेसिन है, आयोनियन सी एंड लेवेंटाइन बेसिन ये जो है ईस्ट बेसिन में आ रहा है, ठीक है, देखो इसको अलग किया गया है ना हम लोगों ने पढ़ा, तो एक होता है ईस्ट बेसिन में ये किया गया है, एक है वेस्ट बेसिन, वेस्ट बेसिन में क्या रखा गया है, ये दो टायरियन और अल्जेरियन बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी के बारे में भी अगर पढ़ ले थोड़ा, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको पहले देख लेते हैं, इट इज सेपरेटेड बाई 1600 मीटर डीप रिजेस बिटवीन युक्तान पेनिनसुला एंड क्यूबा आइलैंड, ये हुआ युक्तान पेनिनसुला और ये हुआ क्यूबा आइलैंड, ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है इस युक्तान पेनिनसुला और क्यूबा आइलैंड के बीच के पास जो रिज है ना 1600 मीटर का, उससे सेपरेट हुआ हुआ है बेसिकली, ठीक है, और ये हम गल्फ ऑफ मेक्सिको बात कर रहे हैं। अब दूसरा है दूसरे वाले पार्ट में दैट इज कैरिबियन सी के बारे में, ठीक है, कैरिबियन सी भी फर्दर डिवाइडेड है बहुत सारे बेसिन्स में, और उसका बेसिन्स का नाम क्या क्या है, पहला है युकातन, दूसरा है केमैन ट्रफ, तीसरा है कोलंबियन बेसिन, चौथा है वेनेजुएल बेसिन, ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 इसका देखो नंबरिंग किया गया 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए आप जस्ट दिमाग में जस्ट रखिए दैट हाँ भैया कौन सा बेसिन एरिया कहाँ पर है, ठीक है, एज सच उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बट हाँ एक दो बेसिन एरिया भी याद रखने से चल जाता है, बट स्टिल सेफ साइड में सब समय खेला करो ज्यादा अच्छा रहता है जब एटलीस्ट आप यूपीएससी दे रहे हो, ठीक है। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन, आशा करता हूँ दैट आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, फर्दर कोई क्वेरीज के कारण तो नीचे में फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हुआ है, मेक श्योर यू एक्सेस दैट लिंक इवन, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।